तो फ्रेंड्स बहुत बार मैंने बोल चुका हूँ आप सभी को कि पोल्ट्री जो फार्मिंग हम लोग करते हैं उसमें वेट टारगेट रहना चाहिए वरना आपका जो रिजल्ट है वो नहीं कर पाओगे आप क्यों क्योंकि एक हफ्ता दो हफ्ता इक्कीस दिन तीस दिन पैंतीस दिन इसमें एक एक करके वेट का टारगेट होता है जो कि मैं ट्राई करता हूँ कि उसको फिलअप करने के लिए और आपको मैं ऑलरेडी दिखा दिया कि सात दिन का जो टारगेट था वो भी मेरा कम्प्लीट हो गया और दस दिन का जो टारगेट था वो भी कम्प्लीट हो गया तो अभी मैं पंद्रह दिन का टारगेट आपको दिखाऊंगा तो फ्रेंड्स उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को आप एंड तक देखिए जबकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिले तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता है कि मेरे फार्म पर ऑलरेडी किडनी डिजीज़ जो आया था उसको सोल्यूशन मैंने कर लिया और कौन सी कौन सी मेडिसिन दिया मैं उसको आपको दिखाया तो आप उसको ट्राई कर सकते हो और अभी एक एक मोटेलिटी दो मोटेलिटी ऐसा कुछ हो रहा है जो कि नॉर्मल मोटेलिटी होता है और दूसरा प्रॉब्लम मेरे फार्म पे आ रहा है वो है इकोलाई और ड्रॉपिंग का थोड़ा तो सा समस्या आ रहा है तो मैं वो बाद में डिस्कस करूंगा जैसे-जैसे मेडिसिन में उसको दूंगा तो उस हिसाब से मैं डिस्कस करूंगा तो पहले चलिए एक बार बुक का रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं तो फ्रेंड्स ये देख पा रहे हैं आप कि आज 14 दिन है मेरा सुपरवाइजर मॉर्निंग में आया था मतलब वेट जो होगा वेट जो वो किया है वो तेरह दिन का वेट किया है लेकिन मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि चौदह दिन में मुझे कितना बॉडी वेट देखने के लिए मिला आप देख पा रहे हो चार 490 ग्राम बॉडी वेट देखने के लिए मिला और एफ सी आर भी थोड़ा सा कम है 1.16 जो कि बुक में है 1.18 मतलब ये 500 सौ वेट हो रहा था लेकिन सुपरवाइजर बोला कि ठीक है 10 ग्राम हम छोड़ ही देते 490 सौ किया लेकिन ये 490 ग्राम मतलब 500 ग्राम जो वेट है वो 13 दिन का वेट है क्योंकि 14 दिन का अगर सुबह में आप वेट करोगे तो डेफिनेटली आपको तेरह दिन का रिजल्ट आपको मिलेगा तो इस तरह से मेरा जो रिजल्ट है इस बार को हुआ है और यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मेरा मोटालिटी बहुत हाई चल रहा था अभी देख पा रहे हैं कि दो दिन तीन दिन बाद चार मोटालिटी हुआ है तो उसी हिसाब से मोटालिटी भी थोड़ा बहुत कम गया है तो फ्रेंड्स अभी चलिए मैं कौन सी कौन सी मेडिसिन दिया इसके जो रिजल्ट है मुझे देखने के लिए मिल रहा है तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि पोल्ट्री फार्मिंग जो होता है वो मेडिसिन के ऊपर नहीं वो मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान आपको देना होगा कि किस टाइम पे क्या करना है कौन सी मेडिसिन किस टाइम पे देना है लीडर को क्या करना है फीडिंग को क्या करना है वाटर मैनेजमेंट किस तरह से करना है तो ये जो एक एक बात मेरा चैनल पे ऑलरेडी हर किसी का वीडियो है मतलब हर कोई प्रॉब्लम हर कोई मैनेजमेंट का वीडियो है तो जाके आप वहाँ पे सर्च करके चेक कर सकते हो और उसके साथ मैं मेरे जो फार्म है इस पर ज़्यादातर की मैं मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देता हूँ आपको पता है कि मैं एक दिन दो दिन छोड़ के वीडियो बनाता हूँ तो उसमें आप देखे नहीं होगे कि मैं कभी भी विटामिन भी का इस्तेमाल करता हूँ मैं ट्राई करता हूँ अच्छा पानी अच्छा फीड चिक्स इंटेक करे तो उस हिसाब से हमको रिजल्ट भी मिलता है और लीटर को आपको सही करना है वो भी मैंने बहुत वीडियो आपको दे दिया तो उस हिसाब से कीजिए और फ्रेंड्स तीसरा जो बात है आपको टारगेट डेफिनेटली रखना है वरना आप रिजल्ट नहीं कर पाओगे बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करता है जैसे सत्तास दिन हो रहे तो बोल रहे कि सर आज ग्यारह सौ वेट है तो फ्रेंड्स आप सात दिन में जो वेट है वो क्यों नहीं किया दस दिन में क्यों नहीं किया पंद्रह दिन में नहीं किया इक्कीस दिन में नहीं किया अभी सत्ताईस दिन हो जा रहा है तो आप बोल रहे हो कि ग्यारह सौ बॉडी है तो ऐसा नहीं चलता आपको जिस टाइम पे जिस हफ्ते का जो बॉडी वेट है उस टाइम पे आपको मेडिकेशन करना चाहिए तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना के आप सभी के साथ शेयर कर लूँ जाके आप सभी को जो तो पता चले कि किस तरह से ब्रॉयलर फार्मिंग में मैनेजमेंट अहमियत रखता है